चुनावी साल हो और युवाओं को सरकार अपने पक्ष में लेने की कोशिश ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिछले लंबे समय से जो युवाओं की मांग चली आ रही थी आखिरकार उसको पूरा कर दिया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अध्यापक भर्ती लेवल 1 के 21,000 पदों पर अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। अंतिम परिणाम जारी हो गया है और प्रदेश के हजारों युवाओं के मन में सवाल है कि उनको नियुक्ति कब मिलेगी। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम 21,000 युवाओं के मन में जो सवाल उठ रहा है उन सवालों का जवाब लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 31 अगस्त को लेवल 1 का अंतिम परिणाम जारी किया गया है। 21,000 पदों पर ये जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें 19,192 नॉन TSP पदों पर अंतिम परिणाम जारी हुआ है, तो वहीं 1,808 पदों पर TSP एरिया का अंतिम परिणाम जारी हुआ है। अगर सामान्य शिक्षा की बात की जाए तो 19,133 पदों पर परिणाम जारी किया गया है। विशेष शिक्षा MR 1,085, इसके साथ ही विशेष शिक्षा VI 240 पद और विशेष शिक्षा HI 542 पदों पर अंतिम परिणाम जारी किया गया है। आपको बता दें कि लेवल 1 की जो 2 गुना वरीयता थी, 2 गुना सूची थी, वो 26 मई 2023 को जारी की गई थी। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन हुआ था और दस्तावेज सत्यापन होने के बाद लंबे समय से अंतिम परिणाम जारी करने की मांग चली आ रही थी। बोर्ड की ओर से अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है, अब क्या रहेगा, कब तक जिला आवंटन होगा, कब तक काउंसलिंग होगी और कब तक नियुक्ति मिलेगी, ये वो तमाम सवाल हैं जो इस समय इन युवाओं के मन में एक चौंद उत्पन्न कर रहे हैं। उनके मन में अब ये है कि जल्द से जल्द नियुक्ति मिले। तो आपको बता देते हैं कि आचार संहिता लगने से पहले पहले आप लोगों को जो नियुक्ति की सौगात है वह मिल जाएगी। जी हाँ, सरकार की ओर से 21,000 पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति देने की तैयारी की जा रही है। दस्तावेजों के जो ये 21,000 पदों पर अंतिम परिणाम जारी किया गया है, इन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को अब निदेशालय भेजने का काम शुरू किया जाएगा। जैसा कि बोर्ड कार्यालय में हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि अगले 1-2 दिन में दस्तावेजों के, इन 21,000 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को निदेशालय भेज दिया जाएगा, यानी कि सोमवार अगर बात की जाए तो सोमवार को 4 तारीख को ये जो दस्तावेज हैं 21,000 अभ्यर्थियों के, ये बोर्ड कार्य निदेशालय में भेज दिए जाएंगे। अब सोमवार को यदि निदेशालय को ये दस्तावेज प्राप्त होते हैं तो इसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर निदेशालय की ओर से जिला आवंटन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। 7 दिन में जिला आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अगर बात की जाए काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग जिला परिषद के माध्यम से यहाँ पर करवाई जाएगी, यानी कि जिला परिषद के माध्यम से इन 21,000 पदों पर जो जिले आवंटित किए जाएंगे वहाँ पर जिला आवंटन की जो काउंसलिंग है वह शुरू की जाएगी। यानी कि उस समय अवधि को माने तो लगभग 7 से 8 दिन का वो समय, यानी कि ये समय अब हो गया है 15 से 16 दिन। और काउंसलिंग के बाद जो सूची जारी होगी, यानी कि 2 या 3 दिन के अंदर जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद सूची जारी की जाएगी और सूची जारी होने के बाद ही उनको नियुक्ति दी जाएगी। तो जिस हिसाब से बोर्ड कार्यालय और निदेशालय में संपर्क किया गया और जानकारी मिली है उसके अनुसार 21 सितंबर यानी कि आज से ठीक 20 दिन के बाद, आज से ठीक 20 दिन के बाद इन 21,000 अभ्यर्थियों को इन पदों पर नियुक्ति दे दी जाएगी। यानी कि अक्टूबर के यदि प्रथम या दूसरे सप्ताह में आचार संहिता लगने की बात है तो आचार संहिता से करीब 20 दिन पहले इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति की सौगात दे दी जाएगी। ये तो रही बात लेवल 1 के अभ्यर्थियों की, अब बात करते हैं लेवल 2 के अभ्यर्थियों की। हालांकि लेवल 2 की अगर बात की जाए तो 8 विषय को लेकर 28,000 पदों पर लेवल 2 के 2 गुना अभ्यर्थियों की है जो काउंसलिंग है, दस्तावेजों का जो सत्यापन है, जो उनका DV हुआ है वो पूरा हो चुका है और अब लेवल 2 का परिणाम भी जारी करने की जो अंतिम परिणाम है वो मांग उठ रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से तो इसका भी परिणाम अब लगभग अंतिम चरण में है और जल्द से जल्द इसका परिणाम जारी करने की है वह तैयारी बोर्ड के द्वारा की गई है। हालांकि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव ने चेतावनी दी है कि यदि 11 सितंबर तक
लेवल 2 के परिणाम जारी होने शुरू नहीं हो जाते हैं तो 11 सितंबर को बोर्ड कार्यालय पर लेवल 2 के अंतिम परिणाम को लेकर फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि 8 विषयों का अंतिम परिणाम जारी होना है, कुछ विषय हैं जिनके पदों की संख्या बहुत कम है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि सितंबर के पहले सप्ताह में इन 3 विषयों के परिणाम अंतिम परिणाम है वो जारी किए जा सकते हैं। इसके साथ ही सभी परिणामों को जारी होने में 20 सितंबर तक का समय लग सकता है, यानी कि 20 सितंबर तक सभी 8 विषयों के परिणाम हैं वे जारी कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि 20 सितंबर तक यदि 8 विषयों के परिणाम जारी किए जाएंगे, उसके बाद बोर्ड की ओर से निदेशालय दस्तावेज भेजे जाएंगे, जिला आवंटन होगा, काउंसलिंग होगी और उसके बाद नियुक्ति मिलेगी। तो यदि 20 सितंबर तक लेवल 2 का परिणाम, सभी परिणाम जारी हो जाते हैं और सब कुछ ठीक चलता है, जैसा कि शिक्षा विभाग की ओर से अतिरिक्त जो स्टाफ है वो लगाया जा रहा है, आचार संहिता से पहले पहले नियुक्ति देने की सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है, और अगर अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में आचार संहिता लगती है तो ये पूरी संभावना है कि दूसरे सप्ताह से पहले पहले लेवल 2 के भी 28,000 पदों पर जो नियुक्ति है वो दे दी जाएगी। हालांकि एक बड़ी मांग यहाँ पर यह भी उठ रही है कि लेवल 2 में जो 4,500 पद कम किए गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब लेवल 2 की परीक्षा को रद्द किया था, नई लेवल 2 की भर्ती परीक्षा की घोषणा की थी, उस समय जो प्रेस नोट जारी किया था उसमें 31,500 पदों पर जो लेवल 2 है उसकी घोषणा की थी, लेकिन बाद में जब विज्ञप्ति जारी हुई थी तो इनका 27,000 पद यहाँ पर रखे थे। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं वो 4,500 पदों को फिर से जोड़ने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि अक्टूबर के शुरू होने से पहले लेवल 1 और लेवल 2 को नियुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ ही जो कम किए गए पद हैं उसको लेकर भी सरकार कोई ना कोई फैसला ले सकती है। तो लेवल 1 के अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे सवाल थे कि कब तक जिला आवंटन होगा, काउंसलिंग हो रही है, कब तक नियुक्ति होगी। तो आपको बता दें कि लेवल 1 की नियुक्ति 21 सितंबर से पहले पहले उनके हाथ में उनका नियुक्ति पत्र होगा, तो वहीं लेवल 2 के अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र भी अक्टूबर के पहले सप्ताह के अंदर अंदर उनके हाथ में होगा। इसके साथ ही पदों की संख्या है बढ़ाने वाली, उस पर भी आचार संहिता से पहले फैसला आ सकता है। ये जानकारी मैंने आपको दी है। यदि इस जानकारी से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़िए, कोशिश करेंगे कि आपका सवाल है उसका जवाब दे सकें। इसके साथ ही द नगरी न्यूज़ से बने रहिए। नमस्कार, मैं हूँ ललित वर्मा।